अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महनाज किचन। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज हम बनाएंगे मूंग दाल का चीला। ये मूंग दाल का चीला जो है बहुत ही हेल्दी एंड डिलीशियस ब्रेकफास्ट है। इसे आप इवनिंग स्नैक्स में भी बना सकते हैं। बच्चों और बड़ों दोनों को बहुत पसंद आता है। बहुत ही ईजी और क्विक रेसिपी है, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब का लाल बटन दबाएँ, बराबर में जो बेल आइकॉन है उसको भी दबाएँ ताकि मेरी आने वाली रेसिपी सबसे पहले आपको देखने को मिले। चीला बनाने के लिए हमने ये एक कप मूंग की छिलके वाली हरी दाल ली है। इसको बहुत अच्छे से वॉश करके दो घंटे तक इसको सोक कर लिया है। अब हम दाल का जो है पेस्ट बनाएंगे। दाल को जार में डालेंगे। दाल में ये चार हरी मिर्च डालेंगे, हाफ बंच धनिया पत्ती है इसको भी डालेंगे इसमें, 10 से 12 पालक की फ्रेश पत्ती है इसको भी डाल देंगे इसी में, 1/2 इंच अदरक को ग्रेट कर लिया है, 1/2 टीस्पून जीरा, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अब इस सब का हम पेस्ट बना लेंगे। इसका पेस्ट बना लिया है हमने। देखिए हमारा बैटर प्रिपेयर हो चुका है चीलों का, और हमें इसका जो बैटर है वो इस टाइप से प्रिपेयर करना है जैसे कि हम पकौड़े या डोसा बनाते हैं। इसकी सेम वैसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ना ज्यादा लिक्विड होना चाहिए और ना ज्यादा थिक होना चाहिए, बस ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए हमें इसकी। चीला बनाने के लिए हमने यहाँ नॉन स्टिक पैन ले लिया है। चीला वैसे हम किसी सिंपल पैन में बना सकते हैं लेकिन उसमें चिपकने का डर है। नॉन स्टिक में जो है कम ऑयल यूज होगा और इसमें ये जलेंगे और चिपकेंगे नहीं, तो आप कोशिश करें चीला जब भी बनाएं तो नॉन स्टिक पैन में ही बनाएं। इसमें बहुत थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे पैन में, और जो हमें फ्लेम्स को बहुत स्लो फ्लेम पे बनाना है, फ्लेम स्लो है हमारा, इस पे हम बैटर डालेंगे ये देखिए, और इसको ऐसे करके तवे पे अच्छे से फैला लेंगे, और हमारा फ्लेम जो है एकदम स्लो है। अगर फ्लेम थोड़ा भी आप मीडियम करेंगे या तो ये चीला जो है अच्छे से फैलेगा नहीं। ये देखिए स्लो फ्लेम पर ही हमें इसको साइड से बहुत अच्छे से एकदम ये देखिए इतना अच्छा एकदम हुआ ये। और अपने आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग छोटे या बड़े चीले बना सकते हैं। चीले के साइड में थोड़ा थोड़ा 3-4 ड्रॉप्स के लगभग ऑयल डालेंगे ताकि साइड से ये चिपके नहीं और अच्छे से सिक जाए। इसको अच्छे से कर लेंगे, चारों साइड से लग जाए, सब साइड से लग जाए ऑयल, ऐसे हल्का सा राउंड शेप में इसको घुमा लेंगे पैन को। देखिए इसको आराम से टर्न करेंगे। देखिए अब दूसरी साइड से भी ऐसे ही हमें इसको लाइट ब्राउन होने तक सेकना है। मीडियम फ्लेम पे सेकेंगे इसे हम, इसको चेक करेंगे दूसरी साइड से, बहुत अच्छा सा सिक गया है ये भी। अब हम इसमें थोड़ा सा पनीर डालेंगे, ग्रेटेड पनीर है ये। अब इसको इस साइड से हल्का सा फोल्ड करेंगे और इस साइड से भी ऐसे, देखिए और बहुत अच्छे सिक गया है बहुत अच्छे से। अब इसको हम प्लेट के ऊपर रखेंगे और ऐसे ही सेम दूसरे चीले भी बनाएंगे। तो अभी इसको हमें थोड़ा ठंडा करना है पैन को, तो उसके लिए देखिए थोड़ा सा पानी की छींटे डाली है हमने इसके ऊपर ताकि पैन जो है ठंडा हो जाए। टिश्यू पेपर से साफ कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा ऑयल डालेंगे ताकि कॉर्नर्स अच्छे से सिक जाएं। इसको भी सेम मीडियम फ्लेम पर ही सेकेंगे। देखिए इसको टर्न करके ये बहुत अच्छा सा हो गया है, लाइट गोल्डन। अब दूसरी साइड से भी सेम इसी टाइप से सेकेंगे। पनीर डालेंगे इस पे,
देखिए चीले जो है कई तरीके से बनाए जा सकते हैं, स्टफिंग चीले, लेकिन हमने आज ये बहुत ही इजी वाले चीले बनाए हैं ताकि ये बहुत इजीली बन जाए और टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। इसको ज़रूर बना के देखिएगा। ये देखिए ऐसे इसको फोल्ड करना है, ये अच्छे से फोल्ड हो गया है, इसको भी प्लेट पर निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स देखा आपने कितना ईजीली बन गया ये मूंग दाल का चीला। तो इसको आप जो है ब्रेकफास्ट में, बच्चों के टिफिन के लिए भी इसको बना सकते हैं आप, और बहुत इजी है बनाना और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया है इसमें। तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको आप जो है टमाटो सॉस के साथ, ग्रीन चिल्ली सॉस के साथ, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं और बनने में भी बहुत इजी हैं। तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।